अंधा भाई जो राजा बन गया था, लुटेरों से उसको उसके छोटे भाई ने बचाया। उसके बाद राजा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसके सिर में लगी चोट की वजह से राजा अभी भी दर्द में था। इसलिए उसने एक दिन अपने छोटे भाई को पास बुलाया और उससे कहा, भाई अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। मेरे सिर में अभी भी हल्का हल्का सा दर्द रहता है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं, तब तक तुम ही राज्य की देखभाल करो। छोटा भाई बोला, भैया आपकी सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके राज्य की देखभाल करूंगा और आपके ठीक होने तक सब कुछ संभालूंगा। आप चिंता ना करें और अपने आराम पर ध्यान दें। बड़ा भाई बोला, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत आराम मिला। मैं जानता हूँ कि तुम राज्य की देखभाल बहुत अच्छे से करोगे। छोटा भाई मुस्कुराया और कहा, भैया आपकी चिंता मुझे अच्छी तरह से समझ आती है। मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस तरह दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्रति अपना विश्वास और समर्थन जताया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद अपनी चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों भाइयों के किस्से बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। पड़ोसी देश के राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा था। वो दिन रात प्रजा की भलाई करने को तत्पर रहता था। प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती थी। उस राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, किंतु राजकुमार का स्वभाव अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। वह घोर विलासी तथा क्रूर था। वह खूब शराब पीता तथा प्रजा पर अत्याचार करता। उसका काम था ऐश करना और रात को फूलों की सेज पर सो जाना। राजकुमार की सेज नगर से लाए गए तरह तरह के फूलों से सजाई जाती। उसके राज्य में प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य की प्रगति ठप हो गई। लोगों के कारोबार बंद हो गए। मंत्रियों ने राजकुमार को काफी समझाया। राजमाता ने भी बेटे को राह पर लाने की भरसक चेष्टा की, पर राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन मंत्री ने राजमाता से कहा, राजमाता जी, आपके बेटे का गुस्सा दिन भर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें अवश्य ही इसका जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। राजमाता ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पर हम करें तो क्या करें? मंत्री बोला, इसका समाधान हमारे पड़ोसी देश में रहने वाले दो भाई ही कर सकते हैं, जिनके साहस और हिम्मत के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। हमें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। राजमाता ने कहा, पर वह हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारा तो उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मंत्री बोला, राजमाता, वह दोनों भाई न केवल साहसी और हिम्मती हैं, बल्कि उनके दिल में दया और न्याय की भावना भी है। वे निश्चित ही हमारी मदद करेंगे अगर हम उन्हें सच्चाई बताएंगे। राजमाता ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम उनसे मिलेंगे और उन्हें हमारी स्थिति के बारे में बताएंगे। शायद वे हमारे बेटे को सही राह दिखा सकें। इस तरह राजमाता और मंत्री ने तय किया कि वे उन दोनों भाइयों से मिलेंगे और उनसे मदद मांगेंगे। उन्होंने एक दूत को उन भाइयों के पास भेजने का निर्णय लिया। दूत ने दोनों भाइयों के पास पहुंचकर उन्हें राजमाता का संदेश सुनाया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं पड़ोसी देश से आया हूँ। हमारे राज्य की राजमाता ने आपसे मदद के लिए यह संदेश भेजा है। दोनों भाइयों ने बिना किसी हिचक के मदद करने का वचन दिया। दूत के जाने के बाद राजा भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई तुम्हें पता ही है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, इसलिए यह काम अब तुम्हें ही करना है। छोटा भाई बोला, जी भाई आप फिक्र ना करें, मैं कल सुबह ही उस राज्य में जाता हूँ और उस राजा के बेटे को सही मार्ग दिखाता हूँ। राजा भाई बोला, धन्यवाद मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस राजकुमार को सही दिशा दिखा पाओगे। तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता की कहानियां सभी जानते हैं। छोटे भाई ने अपने घोड़े की तैयारी की और सुबह की पहली किरण के साथ ही पड़ोसी राज्य की ओर रवाना हो गया। उसके मन में एक ही विचार था,
राजकुमार को सही मार्ग पर लाना और उसके राज्य को फिर से खुशहाली की ओर ले जाना। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली, लेकिन उसने हर बाधा को पार किया। जब वह पड़ोसी राज्य पहुंचा, तो उसने देखा कि प्रजा वास्तव में दुखी थी। उसने राजमाता से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि राजमाता जी, मैं आपके बेटे को सही पथ पर लेकर आऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजमाता ने कहा, कैसी शर्त बेटा? बस मेरी एक छोटी सी शर्त यह है कि आप में से आपके बेटे को कोई यह नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैं आपके यहाँ माली बनकर बगीचे में काम करूँगा। बेटा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस मेरे बेटे को सही राह दिखाओ। राजमाता ने छोटे भाई की शर्त मान ली और फिर छोटा भाई माली के वेश में राजमहल के बगीचे में काम करने लगा। उसने अपने काम से राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमार ने देखा कि बगीचे के फूल कितने सुंदर और ताज़ा हैं, और उसने छोटे भाई से बगीचे की देखभाल के बारे में पूछा। छोटे भाई ने उत्तर दिया, राजकुमार जी, जैसे इन फूलों को प्यार और ध्यान की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी प्रजा को भी आपके प्यार और ध्यान की जरूरत है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ख्याल रखे। राजकुमार ने छोटे भाई की बातों पर गौर नहीं किया। वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। हाँ, उसके हित की कोई बात होती तो वह उसे ध्यान से सुनता। छोटे भाई ने अपनी चाल चली जिसके लिए वह यहाँ आया था। जिस दिन से वह राजमहल आया था, वही राजा के बिस्तर पर फूलों की सेज सजाया करता था। एक रात वह राजकुमार के शयन कक्ष में गया, साथ में राजमाता भी थी। वहाँ माली बने छोटे भाई ने राजकुमार के लिए फूलों से सेज सजा दी। फिर राजमाता से कहा, आज मैं इस सेज पर सोने वाला हूँ। ये सुनकर राजमाता डर गई, पर छोटे भाई ने उसे आश्वासन दिया कि वह जैसा कहता है वैसा करे। अब माली फूलों की उस सेज पर लेट गया। थोड़ी देर में माली को नींद आ गई। राजमाता बराबर के कमरे में चली गई और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगी। रात को नशे में धुत राजकुमार सोने के लिए अपने कमरे में आया और उसने माली को सेज पर सोते देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। वो क्रोध से पागल हो गया। एक माली की यह हिम्मत। अगले ही पल वो लातों और घूसों से माली को पीटने लगा। माली की नींद खुल चुकी थी। उसने अपनी सफाई में राजकुमार से बहुत कुछ कहना चाहा, मगर राजकुमार ने उसे बोलने का मौका तक न दिया। शोर शराबे की आवाज सुनकर बहुत से दरबारी भी वहां आ चुके थे, लेकिन किसी की भी राजकुमार से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी राजमाता भी वहां आ गई और पूछा, तुम इस बेचारे को क्यों पीट रहे हो? इस बदजात की यह हिम्मत कि मेरी फूलों की सेज पर सोए। राजकुमार ने फुफकारते हुए कहा, अपनी औकात ही भूल गया। मैं इसे भारी दंड दूंगा। इसे दंड मिलना ही चाहिए। इसे हक ही क्या है कि फूलों की सेज पर सोए। मगर यह बेचारा तो मेहनत करता है, एक दिन फूलों की सेज पर सो गया तो दंड का भागी हो गया। लेकिन उसका दंड क्या होगा जो मेहनत भी नहीं करता और रोज फूलों की सेज पर सोता है। राजमाता ये कहकर वहां से चली गई। ये सुनते ही राजकुमार की आंखें खुल गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह बात उसकी माँ ने उसके लिए ही कही है। दरबारियों के सामने वह स्वयं को नंगा सा हो गया महसूस करने लगा और तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत अपनी माँ के कक्ष में गया और क्षमा मांगी। फिर राजमाता ने उसे बताया कि यह कोई माली नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश के राजा का छोटा भाई है। इसने ही मुझे ऐसा करने को बोला था जिससे तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। ये सुनकर राजा को बहुत धक्का सा लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही काम करूँगा। इस तरह राजकुमार ने अपने व्यवहार में सुधार किया और अपने राज्य को फिर से खुशहाली की ओर ले जाने का प्रयास किया। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। छोटे भाई की बुद्धिमत्ता और राजमाता की समझदारी ने राजकुमार के दिल में परिवर्तन की ज्योति जलाई।
और इस तरह राज्य फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। छोटा भाई वापस अपने राज्य आ गया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को सारी घटनाओं का विवरण दिया। उसने बताया कि कैसे उसने राजकुमार को सही मार्ग दिखाने के लिए माली का वेश धारण किया और उसके दिल में परिवर्तन की ज्योति जलाई। बड़े भाई ने छोटे भाई की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुमने न केवल एक राजकुमार को उसके कर्तव्य का एहसास कराया है, बल्कि एक पूरे राज्य को नई दिशा दी है। तुम्हारी इस कर्मठता और दृढ़ निश्चय की वजह से ही आज हमारा राज्य भी समृद्धि की ओर अग्रसर है। छोटे भाई ने अपने दिल की गहराइयों से बड़े भाई से कहा, भैया, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सीखा है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आपके विश्वास और प्रेम ने मुझे हमेशा मजबूती दी है। बड़ा भाई बोला, तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तुमने अपने कर्मों से न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि एक उदाहरण भी स्थापित किया है कि सच्चाई और नेकी की राह हमेशा सही होती है। ये कहानी एक अद्भुत शिक्षा देती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। छोटे भाई ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल अपने भाई की मदद की, बल्कि एक अन्य राज्य के राजकुमार को भी सही मार्ग दिखाया। उसकी यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि हम भी अपने आप में एक बदलाव महसूस करते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।